के आ गई हूँ और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा ज्ञान दूंगी स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड्स को लेके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वोकल फॉर लोकल जो चल रहा है, मैंने हम लोग को इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है, जो भी स्मॉल ब्रांड हो या फिर बड़ा ब्रांड हो लेकिन इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो आज का वीडियो है टॉप 5 इंडियन स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड्स के बारे में मैं बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी ब्रांड्स के बारे में आज बताऊँगी वो सारा मैं ब्रांड को ट्रस्ट करती हूँ। मैं ये सारा ब्रांड का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। आप लोगों को ये ब्रांड का मेरा चैनल में वीडियो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का वीडियो मैं बनाई हूँ, रिव्यू वीडियो हो डेमो वीडियो हो। तो मैं ये सब ब्रांड का ट्रस्ट करती हूँ, ये सब का कुछ ना कुछ यूज़ की हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को भी इसको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग भी इसे यूज़ करिए, अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पांचों ब्रांड है कि जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ और बाकी किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारा ब्रांड है जो सिर्फ स्किन केयर बनाता है या फिर बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जो हेयर केयर बनाता है, दोनों एक साथ नहीं बनाता। तो मैं बहुत सोच समझ के ऐसा 5 जो टॉप ब्रांड्स हैं जिन लोग अभी स्किन केयर हेयर केयर को बहुत ज़्यादा मायने रख के अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या फिर जो पहले भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मैं यूज़ की हूँ बहुत अच्छा है, मैं वही 5 ब्रांड को लेके आज बात करूँगी। तो सबसे पहला जो ब्रांड है नंबर 1 में है वो है वाव। मैं जितना भी ब्रांड का नाम बताऊँगी ऐसा नहीं कि सबसे पहले वाव है फिर मैं जो भी बताऊँगी, ऐसे रैंकिंग वाइज नहीं क्यों, तो मैं कोई भी 5 में से जो पहले आ रहा है मेरा दिमाग में वही सबके बारे में बता दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि रैंकिंग में नंबर 1 में है ये तो नंबर 2 में, वैसा नहीं है, सारा ही अच्छा ब्रांड है, टॉप 5 इसीलिए है। तो जो भी मेरा दिमाग में पहले आएगा मैं उसी को बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया वाव जो नंबर 1 में है अभी, तो उसको मैं उसका बहुत सारा मैं प्रोडक्ट यूज़ की हूँ। आप लोग अगर मेरा चैनल में पहले भी वीडियोज़ देखते थे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं वाव का कितना सारा प्रोडक्ट यूज़ की हूँ, उसका रिव्यू भी है, और अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। और अब मैं या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वाव का स्किन केयर हेयर केयर में भी बहुत सारा वेरिएंट है, प्लस वाव का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर स्किन सब के लिए बहुत अच्छा है। उसका भी मैं यूजेस बताई हूँ अपने चैनल में वीडियो है, आप वो भी चेक करिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास वाव का ये चारकोल मास्क जो है वो है और वाव का कंडीशनर है, तो मैं यूज़ करते रहती हूँ, मैं चेंज करते रहती हूँ, बहुत सारा ब्रांड को ट्राई करते रहती हूँ ताकि आप लोगों को मैं रिव्यू दे सकूँ नया ब्रांड का। जैसे अभी उसका सैम्पल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे यूज़ नहीं किया, आप लोगों को पता है मैं यूज़ की हूँ। तो उसका शैम्पू, उसका जो फेस मास्क फेस वॉश वगैरह सब है बहुत अच्छा है, मैं आने वाले दिनों में भी उसका वीडियो सब उसका प्रोडक्ट सब यूज़ करूँगी और आप लोगों को वीडियो बना के दूँगी उसका रिव्यू डेमो वीडियो सब। वाव का जो प्रोडक्ट्स होता है वो 100% वीगन होता है, क्रुएल्टी फ्री होता है, नो अल्कोहल होता है और मेड इन हिमालयन होता है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है। तो आप इस ब्रांड को आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं आपकी स्किन केयर और हेयर केयर के लिए। अभी तो और भी बहुत सारा वेरिएंट आ गया नया नया हेयर केयर में, स्किन केयर में, इसका मास्क, फेस वॉश, स्किन हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर और हेयर शैम्पू वगैरह आप लोग उसे ट्राई कर सकते हैं। और नंबर 2 में जो ब्रांड है वो है मामा अर्थ। आप लोग तो देखेंगे ये सब चीज़ का जो रिव्यू है मेरा चैनल में, मैं बहुत सारा चीज़ का रिव्यू दी हूँ। और मामा अर्थ का ब्रांड जो है इसका भी बहुत इसकी ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन फ्री है, फॉर इंडियन स्किन है, मतलब इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी स्किन के लिए हार्म नहीं करेगा। और इसका ज़्यादातर प्रोडक्ट तो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होता है, ऑल हेयर टाइप्स के लिए होता है, तो आप देख के यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ ऑयल स्किन के लिए है या फिर कुछ भी, तो आप लोग वो देख के ट्राई करिए। और सबसे अच्छा बात है इसका मैं जो एक एप्पल साइडर विनेगर वाला जो क्रीम था मैं उसका भी रिव्यू किया देखिएगा, तो वो री क्रीम मैं इतना ज़्यादा यूज़ की थी, उसका 3-4 शायद ऐसा जो पैकेज में आता है ऐसा 3-4 पैकेज में यूज़ कर ली थी विंटर में, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीजी भी नहीं था और बहुत लाइट था, विंटर के लिए बहुत अच्छा था। ऐसे भी आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले तो बता ही कि एप्पल साइडर विनेगर आपके स्किन और हेयर और वगैरह हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता, तो वो जो क्रीम था वो एप्पल साइडर विनेगर से ही बना हुआ था। फिलहाल तो मैं ये अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर रही हूँ और हेयर मास्क जो है यूज़ कर रही हूँ। तो जो थर्ड ब्रांड है वो है हिमालया।
मैं हिमालय का जो नीम फेस वॉश है ये मेरा रेगुलर यूज़ में है, और अगर मेरे को कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई करना होता है, नया ब्रांड का फेस वॉश, तभी मैं हिमालय का नीम फेस वॉश बंद करती हूँ, फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है तो मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ, फिर वापस मैं नीम फेस वॉश में आ जाती हूँ, क्योंकि ये घर में रहता ही है तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करते रहती हूँ। और मेरे से बहुत जन कमेंट में पूछते हैं कि अगर, या फिर ऐसे नॉर्मली अगर कोई पूछते हैं पल्स और सेंसिटिव स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश अच्छा रहता है, तो मैं हिमालय का जो नीम फेस वॉश है और मामाअर्थ का जो टी ट्री फेस वॉश है, मैं यही रिकमेंड करती हूँ। ये पिंपल्स वगैरह जो सेंसिटिव स्किन होते हैं, जिन लोग के रैशेज वगैरह स्किन प्रॉब्लम्स जिन लोग के रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है ये फेस वॉश। और मैं हिमालय का शैम्पू भी यूज़ करती हूँ डेली के शैम्पू, और सबसे ज़्यादा यूज़ तो अगर फेस वॉश के बाद तो ये वाइप्स यूज़ करती हूँ हिमालय का। इसका भी रिव्यू है मेरा चैनल में, बहुत अच्छा है। आप लोगों को तो पता ही है कि हिमालय कितना पुराना ब्रांड है, और ये बचपन से शायद हिमालय का प्रोडक्ट देखते आ रहे होंगे, तो हिमालय भी एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। तो जो फोर्थ ब्रांड है वो है बायोटिक। बायोटिक का तो स्किन केयर हेयर केयर का वेरिएंट है ही, प्लस बायोटिक ने अपना नया मेकअप रेंज भी लॉन्च किया है, तो आप लोगों को एक इंडियन मेकअप ब्रांड भी मिल गया है अभी। और इसका सारा प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, कि मैं अभी तक एक भी वीडियो रिव्यू वीडियो नहीं डाली हूँ बायोटिक का अपने चैनल में। आने वाले दिनों में आपको बायोटिक का प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे चैनल में मिलेगा। मैं ये जो क्यूक्यूम्बर टोनर है इसका भी रिव्यू डालूंगी, जो आलमंड मेकअप क्लिंजर है इसका भी मैं वीडियो डालूंगी, और भी बहुत सारे मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे कि मॉर्निंग निक्टर मॉइस्चराइज़र है, इसको मैं तो समर में भी यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं ख़त्म हो गया ये। इसको बहुत हल्का सा लेना है और यूज़ कर सकते हैं, इसका आपका स्किन ग्रीजी नहीं होता, ऑयली नहीं होता, जैसे कि अभी भी मैं इसी को अप्लाई करके रखी हूँ। और इसका लिप बाम जो है बहुत सस्ता टिकाऊ लिप बाम है, 25 रुपीज़ इसका MRP है, लेकिन मैं इसको नायका से या पर्पल से ली थी तो तभी 15 या 19 रुपीज़ ऐसा कुछ मिला था, तो हाँ सर 19 रुपीज़ का ही मिला था, तो बहुत अच्छा है। इसको मैं विंटर में पूरा यूज़ की हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ करते रहते हो जब ज़रूरत होता है। मैं बायोटिक के एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वो है ये आई जेल है। मैं इसे डार्क सर्कल्स के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा डार्क सर्कल्स नहीं है टच वुड, लेकिन अगर मे भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने आँखों में स्ट्रेस देते हैं इतना फ़ोन यूज़ करके, लैपटॉप टीवी यूज़ करके, तो उसका जो रेस है हम लोग के आँखों को दिक्कत होता है, स्ट्रेस मिलता है हम लोग आँखों को, तो मैं इसे नाइट में सोने से पहले इस जेल को अप्लाई करती हूँ पूरे अपने आँखों के अंडर एरिया और अपर एरिया में, तो इससे एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलता है आँख को, और इससे जो आपके आँख में इतना स्ट्रेस मिलता है वो उससे रिलीव करता है। और इसे जो डार्क सर्कल्स वाले हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि इसका जो कूलिंग इफेक्ट जो है आपके आँख को जो एकदम रिलैक्स कर देता है, उसी से पता चलता है कि ये कितना अच्छा काम करता है आँखों के लिए। और ऐसे भी आँख का प्रोडक्ट है तो आप पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो आप पैच टेस्ट करके ही यूज़ करिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर किसी को नहीं सूट करता है। अगर ऑल स्किन टाइप्स लिखा भी रहेगा फिर भी थोड़ा टेस्ट करके यूज़ करना अच्छा, और ऊपर से आँख का सवाल है तो आप लोग थोड़ा देख के ही यूज़ करिएगा। मेरे को तो सूट करता है, लेकिन हो सकता है किसी को सूट ना करे, तो आप हल्का सा यूज़ करके देखिएगा, वरना फिर इचिंग और फिर कुछ हो जाएगा आँख में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप एक बार यूज़ करिए, पैच टेस्ट करिए उसके बाद ही। और जो लास्ट और फिफ्थ ब्रांड है वो है गुड वाइब्स। जो गुड वाइब्स जो ब्रांड है ये पर्पल कंपनी का ही ब्रांड है, इसका जो प्रोडक्ट्स है आपको purple.com पे या पर्पल के ऐप पे मिल जाएगा। तो मैं इसका भी ये जो फेसियल सीरम फेसियल ऑयल जो था इसका मैं रिव्यू अपने चैनल में दी हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बाकी सब ये जो फेशियल किट्स जो है ये सब का भी मैं रिव्यू दूंगी। मैं ये वाइन वाला नहीं यूज़ की हूँ, मेरे मम्मी को की कराई थी यूज़, और ये जो गोल्ड वाला है मैं कुछ दिन पहले यूज़ की थी, तो मैं इसका भी वीडियो अभी दूंगी, और एक बार यूज़ करके जब आपको डेमो दिखाऊंगी तो मैं एक बार पहले यूज़ की ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि इसका कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं। और मैं पहली बार फेशियल किट मैंने कोई यूज़ की थी, या फिर मतलब फेशियल की हूँ पहली बार, तो ये अच्छा ही लगा मुझे, काफ़ी ग्लोई था। इसका रिव्यू मैं पूरा डिटेल में आपको दूंगी आने वाले दिनों में। ये जब मैं ली थी पर्पल में इसका बहुत सारा ऑफर चलते रहता, तो बाय वन गेट वन का ऑफर था, तो मैं गोल्ड वाला ली, तो वाइन वाला का हम जब मेरे को फ्री मिला। और मैं गुड वाइब्स का और भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये जो फेस सीरम है रोजी फेस सीरम, इसका मैं काफ़ी चर्चा सुनी थी, बहुत सारा रिव्यू और बहुत सारा
वीडियोस देखी थी उसके बाद मैं ली थी। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी ये इसको यूज़ करने के कि इसको आप अपने आँख के एरिए पे मत यूज़ करिए, आँख के एरिए पे मत यूज़ करिए वरना फिर आपका आँख जलना स्टार्ट कर जाएगा। आप इतना दूर और यहाँ तक यूज़ करिए। और ऊपर से ये मेरे इसका जो स्मेल है ना काफ़ी वो अमृतांजन टाइप से एकदम पूरा कूलिंग इफेक्ट का वाला स्मेल है। तो मे भी आपको अगर स्मेल से कोई दिक्कत हो तो आप ये प्रोडक्ट मत यूज़ करिए, क्योंकि इसको मैं जब यूज़ करी तो ठीक था, पर मेरा एक फ्रेंड है वो यूज़ करा तो उसको सर्दी हो गया पता नहीं इसके स्मेल के चलते। तो हो सकता है हर प्रोडक्ट सूट ना करे सभी को, वो स्मेल के चलते हो सकता हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को स्मेल से प्रॉब्लम होता है बहुत सारे, ये जो मिंट टाइप या कूलिंग टाइप फ्रेग्रेंस जो है उससे। इसका भी जो फ्रेग्रेंस है कूलिंग टाइप है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है ये, इसको मैं हेयर केयर के टाइम यूज़ करती हूँ, अपना जो हेयर मास्क वगैरह मैं यूज़ करती हूँ या फिर हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ तो उसमें मैं लगाती हूँ। इसका स्मेल है ये थोड़ा स्वीट टाइप से है इसका जो है, बाकी इसका जो है वो बहुत तगड़ा वाला स्मेल है, एकदम झट से आपका नाक में लगता है इसका स्मेल। और इसका रोजमेरी का है तो हो सकता है इसका थोड़ा स्मेल स्वीट एकदम शांत वाला स्मेल है, ज़्यादा तड़क झड़क से एकदम नाक में नहीं लगता है। तो वैसे गुड वाइब्स का बहुत सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं इसका जो फेशियल किट यूज़ की मेरी मम्मी जो की थी बहुत अच्छा था। तो गुड वाइब्स का यही सारा प्रोडक्ट था जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं इसका भी प्रोडक्ट सबका रिव्यू डालूंगी। बस दो ब्रांड था जिसका मैं हेयर केयर और स्किन हेयर केयर प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया हूँ। स्किन केयर तो क्यों, जो बायोटिक और गुड वाइब्स है इसका मैं हेयर केयर प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे को पता है कि इतना अच्छा स्किन केयर बनाता है तो उसका हेयर केयर वीडियोज़ भी अच्छा होगा। मैं उसका रिव्यू वगैरह देखी हूँ कि हेयर केयर भी अच्छा ही बनाते हैं उन लोग, हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी अच्छा ही है उन लोग का। तो आने वाले दिनों में यूज़ करके मैं बताऊँगी आप लोगों को भी कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स का सबका कैसा है। तो आज का वीडियो तब यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वन, और डिटेल में बताऊँगी मैं ऐसे भी सबका अलग अलग रिव्यू तो बना के रखी हूँ बहुत सारा प्रोडक्ट का, आप लोग देख लीजिए डिटेल वीडियो सब। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जिसका मैं अब तक रिव्यू नहीं किया हूँ, या फिर आने वाले दिनों में आप लोग चाहते हैं कि मैं उस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज़ करके आप लोगों को रिव्यू दूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड का आप लोग देखना चाहते हैं रिव्यू। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और तब तक के लिए बाय।